बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि इसका जो 6.0 इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है ना। अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना यह 5K 30 पे SDR मोड पे, जो विंड ब्लास्ट को भी कैसा कंट्रोल कर रहा है ये आपको पता होगा, क्योंकि कोई भी माइक वगैरह मैं नहीं लिया हूँ। जो कि है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इट्स ब्लॉग। जो कि मेरा जो GoPro 12 का जो वीडियो मैं अभी रिसेंटली अपलोड किया हूँ, तो इसी का थोड़ा टेस्ट वगैरह करने के लिए मेरा घर का साइड में थोड़ा बड़ा वाला एक हिल से देखिए, यहाँ पर मैं पूरा टॉप पे चढ़ चुका हूँ मेरा बाइक को लेके। जो और ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो कि इसका देखो वाइड एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और मैं एक ट्राईपॉड भी यूज़ किया उसके साथ, इसलिए और भी ज़्यादा आपको वाइड एंगल देखने के लिए मिल रहा है। और कि मेरा बाइक को लेके मैं ऑलरेडी बहुत ऊपर तक चढ़ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका जो हाइपर स्मूथ भी आया 6.0, वो भी टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा चढ़ चुका हूँ। मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऊपर तक चढ़ने के लिए, ठीक है ना, बाइक मेरे यहाँ पर खड़ा है। और जो हाइपर स्मूथ जो है इसका 6.0, वो भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और देखते हैं इसका ओवरऑल कैसा आता है रिजल्ट। अभी तो पता नहीं चल रहा है कैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मुझे घर जाकर जब वीडियो एडिटिंग करूँगा तब जाकर मुझे पता चलेगा। तो गाइज़ अभी चलते हैं बाइक को लेकर, और इसका ओवरऑल जितना भी होता है मैं शूट करूँ। अभी जो मेरा जो पोजिशन है इसका 4K 50 FPS और हाइपर स्मूथ और ऑटो बूस्ट ऑन है। ऑटो बूस्ट मीन्स इसका स्टेबिलिटी पूरा हाइपर स्मूथ जो होता है वो ऑन करके मैं रखा हूँ। तो अभी देखते हैं इसका ओवरऑल जो एक क्या रिजल्ट आता है, और एक HDR मोड में जो है उसका क्या रिजल्ट आता है, मैं एक एक करके टेस्ट करूँगा। अभी जो मैं फंक्शन बताया था उस पर शूट होगा, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। मैं यहाँ पर इसको माउंट कर दिया हूँ, जो कि मैं खुद को मैं रिकॉर्ड करूँगा मेरे को, इसलिए थोड़ा कैमरे का लेंस उस तरफ कर दिया हूँ। और मैं यहाँ से ड्राइव करके आऊँगा, मेरा मोबाइल यहाँ पर मैं माउंट करूँगा, इधर यहाँ पर मैं माउंट करूँगा। इसका जो हाइपर स्मूथ 6.0 कैसा काम कर रहा है वो चेक करने के लिए मैं अभी यहाँ पर सेटिंग दिखा देता हूँ। एक मिनट, इसको पहले ऑन कर देना पड़ेगा। तो अभी हाइपर स्मूथ में टेस्ट करने के लिए मेरा मोबाइल वहाँ पर मैं माउंट कर देता हूँ, देखता हूँ इसका रिजल्ट कैसा आता है। अभी ड्राइव करके आप जो रिजल्ट होता है, GoPro 12 में हाइपर स्मूथ 6.0 आया है ना, बहुत ही स्मूथ कर दिया रिकॉर्डिंग आपका, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता, जो कि स्टेबिलिटी के मामले में, ठीक है ना। थोड़ा लो लाइट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताते आऊँगा। जो कि देखिए मेरा यहाँ पर मैं माउंट कर दिया था, एक मिनट, यहाँ पर मैं माउंट कर दिया था मेरा गाड़ी में, जो कि बहुत अच्छा से जो रिजल्ट मुझे दिया है। और आपको जो ये भी थोड़ा बहुत एडिट करके अभी पता चलेगा कैसा क्या है इसका जो मामला, मैं वो पूरा अपलोड कर दूंगा, रिजल्ट भी आप लोगों का सामने आ जाएगा। तो अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप HDR है वो टेस्ट करते हैं, चलिए डायरेक्ट रिजल्ट कैसा आता है वो देखते हैं। अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना यह 5K 30 FPS HDR मोड पे, तो आप लोग बताएं जो HDR जो कैसा आ रहा है। अभी आपको मालूम होगा कि थोड़ा पीछे थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, जो कि उतना डार्कनेस आपको नहीं दिख रहा है HDR मोड पे। HDR का काम के थोड़ा डिटेल में आपको देने का ज़्यादा करता है, क्योंकि शार्पनेस बढ़ जाता है थोड़ा आपको, इसका जो पीछे का आप जो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट जो था वो पूरा आपको वाइट हो गया होगा, थोड़ा आपको डार्क ब्राइटनेस ज़्यादा दिख रहा होगा, जो क्वालिटी कैसा आ रहा है। और एक बात है ना, HDR 30 FPS में 5.3K और 5, ठीक है ना, 60 FPS HDR पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि 60 FPS पे आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड मोड में आपको 5K 60 FPS तक सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो अभी HDR मोड में कर रहा हूँ, अभी इसका क्वालिटी कैसा आ रहा है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एक बात है गाइस, जो 5K 60 FPS स्टैंडर्ड मोड में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका कैसा आ रहा है मुझे एक बार बताइए। वो था HDR मोड, जो कि
5K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा था। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5K 60 FPS जो कि स्टैंडर्ड मोड, ठीक है ना। इसमें थोड़ा ISO थोड़ा मैं कंट्रोल किया हूँ, जो कि थोड़ा आज थोड़ा डल है। जो बारिश हुआ है हैदराबाद में, आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको नज़ारा देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। जो कि मेरा बाइक में वहाँ पर खड़ा कर दिया हूँ, जो कि इग्निशन ऑन है, देख मैं अभी देखा इसको ऑफ करना है। तो अभी यहाँ पर इतना अच्छा नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि 5K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ GoPro 12 में, ठीक है ना। तो अभी इसका क्वालिटी कैसा आ रहा है, वो HDR मोड का क्वालिटी कैसा आ रहा है, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताएं। और जो स्लोमो अंडर वाटर टेस्ट में इससे पहले मैं कर लिया था, जो उसका भी एक क्लिप इसका बाद में ऐड करते आऊँगा, ठीक है ना। जो कि स्लोमो अंडर वाटर और स्लोमो जो नॉर्मल जो होता है वो भी मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ इसमें। अरे 5K में ना थोड़ा ज़्यादा बैटरी कंजप्शन होता है, जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ, मुझे नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। अभी मैं क्या है, अभी इसके 5K में ऑलमोस्ट 70% चार्ज था, तो मैं आज पूरा वीडियो जो 70% चार्ज में कंप्लीट किया, अभी भी मेरा इसमें 36% है। थोड़ा मुझे नोटिफिकेशन जो मुझे आया है ना अभी, और जो भी कुछ बच गया होगा जो लॉग मोड में उसमें नहीं किया, क्योंकि उसमें मुझे लॉग का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है एडिटिंग में, जो कि उसका लट अप्लाई करना पड़ता है, कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगता है। वो मैं बाद में कभी और एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, जो कि लॉग प्रोफाइल में जो डीला रिकॉर्ड करता है उसको लेके। अभी थोड़ा बहुत धूप आ रहा है, जो कि मेरा पूरा सर के ऊपर है। अभी तो अराउंड टाइम हो रहा है 12:30, मैं जब आया था तो तब धूप नहीं हो रहा था। तो गाइस कुछ अच्छा था GoPro का, एक रिव्यू था, एक टेस्ट था थोड़ा स्मॉल सा। अभी जाने के टाइम में भी मैं सेम पोजीशन में रख के मैं आप ये पूरा जो हिल से मैं यहाँ पर उतारने वाला हूँ, ठीक है ना। ऊपर चढ़ने का अभी कोशिश मैं नहीं किया, क्योंकि गाड़ी उतना ऊपर तक नहीं चढ़ेगा। तो अभी मैं जाने के टाइम में भी ऐसा ही पोजीशन पर लगा कि मैं यहाँ से पूरा आप देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं उतरूँगा अभी ये लेके, आप देख पा रहे कितना ये ऊपर मैं आ गया हूँ बाइक को लेके। इसको लेकर अभी नीचे भी जाऊंगा, तो अब इसका जो कैसा होता है स्टेबिलिटी, और मैं लगा के भी आया था, जो कि बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देता है स्टेबिलिटी के मामले में GoPro 12, जो कि हाइपर स्मूथ 6.0 आया है। तो गाइस चलते हैं, अभी उतरते हैं, कैसा रिजल्ट आता है वो भी सामने में रखते हैं। पे ना 240 FPS पर एक स्लोमो आ रहा है 8x तक, उसका ये ट्रायल था। अभी इसका जो स्लोमो है सुपर स्लो में, मतलब इतना स्लो हो जाता ना, यह बहुत दिक्कत भी देता है एडिटिंग करने के लिए। अगर वहाँ पर अब करेंगे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको ये जो स्लोमो आपको एडिट करने के लिए। अभी मेरा बाइक पे थोड़ा बहुत स्लोमो दिखाने का कोशिश किया, जो कि 240 FPS पर है, बहुत ही 240 FPS बहुत ही फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो स्लोमो बहुत स्मूथली आपको दिखाता है। इतना स्लो हो जाता है ना, तो वो एडिटिंग करने के लिए मुश्किल हो जाता है। जो कि अभी मैं दिखाया यहाँ पर मेरा बाइक पे, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक ट्रायल देने का मैं कोशिश किया, जो कि मैं अभी रिजल्ट आपका सामने है। अभी इसका अलग अलग मोड अलग अलग मैं टेस्ट करके दिखूंगा, जो अभी 2.4K 240 FPS 240 फ्रेम पर रेट में अभी रिकॉर्ड किया हूँ। इसका रिजल्ट जो है आप देख पा रहे होंगे कैसा है, आप डेफिनेटली कमेंट में बताइए। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 हाइपर स्मूथ, और जो विंड ब्लास्ट
इसको मैं कंट्रोल किया हूँ, जो कि अभी GoPro में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। तो अभी मैं जो ये ढाल पूरा मैं उतरने वाला हूँ यहाँ से, और इसका स्मूथनेस, हाइपर स्मूथनेस कैस कितना कंट्रोल करता है वो आप देखिए, और इसका जो क्वालिटी कैसा आ रहा, मेरा फेस का क्वालिटी और जो मेरा बैकग्राउंड का क्वालिटी कैसा आ रहा आपको उसमें डेफिनेटली पता चल गया होगा, जो कि मैं अभी हिल्स से नीचे उतरने वाला हूँ। और एक बात, जो ये हाइपर स्मूथ मैं ऑटो पे रखा हूँ, और जो विंड ब्लास्ट को भी ऑटो पे रखा हूँ, और इसका जो 4K 50 FPS में रखा हूँ, और कि जो हाइपर व्यू पे रखा हूँ। अभी देखिए हाइपर व्यू का मतलब बहुत ही ज़्यादा जो आपको जो स्पेस आपको कवर कर रहा होगा, जो कि मेरा हाथ को भी बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया है, जो आपको मालूम पड़ रहा होगा। तो अभी चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। स्टार्ट कर दिया मैं गाड़ी, साउंड आ रहा होगा, तो चलते हैं इसका कैसा देखता हूँ। देखिए इतना इसका यहाँ पर इतना ज़्यादा ढल है ना, इसका इतना अच्छा क्वालिटी आ रहा है। मैं अभी देखिए इतना ये हो रहा है गाड़ी मेरा, फिर भी इतना स्मूथली रिकॉर्ड करके मुझे दे रहा है, जो कि इम्प्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि इसका जो 6 पॉइंट वो इतना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है ना। इससे पहले भी आ रहा था, बट अभी का जो रिजल्ट है ना बहुत ही अच्छा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरा पीछे पूरा हिल से यहाँ पर पूरा मैं फर्स्ट गियर पे ब्रेक मार के मैं उतर रहा हूँ, जो कि मुझे अभी स्किड हो रहा है, मैं जो टायर मेरा बारिश भी हुआ है, थोड़ा रिस्की भी है। एक मिनट, जो विंड ब्लास्ट को भी कैसा कंट्रोल कर रहा है ये आपको पता होगा, क्योंकि कोई भी माइक वगैरह मैं नहीं लिया हूँ, जो कि डायरेक्ट मेरा GoPro का माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि कोई भी एक्सटर्नल माइक वगैरह मैं ऐड नहीं किया हूँ इसके साथ, ठीक है ना। जो अभी आज का जो मेरा जो मैं शूट किया हूँ वीडियो, पूरा का पूरा 70% चार्ज था उसी के, जो कि इसका जो बैटरी कंजप्शन भी बहुत अच्छा बढ़ चुका है, जो कि मैं कल का जो अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया हूँ और वीडियो में अपलोड भी कर दिया। अगर आप नहीं देखें तो यहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, देख सकते हैं, थंबनेल यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है ना। तो गाइस मैं ऑलरेडी उतर चुका हूँ, देखिए क्योंकि डायरेक्ट मुझे थोड़ा आसान हुआ है उतरने का टाइम, चढ़ने का टाइम बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अपलोडिंग करके मैं गया था, यहाँ पर भी मैं पूरी तरह नहीं उतरा, नीचे है, तो कुछ ऐसा ही था इसका व्यूज। अभी मैं यहाँ पर कैमरा फिट कर लूँगा आगे की तरफ, मैं थोड़ा आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ जितना भी हो पाए। देखिए यहाँ पर कितना ख़राब रोड है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से पूरा रोड पूरा ही ख़राब है, फिर भी मेरा जो रिकॉर्डिंग है बहुत ही स्मूथली मुझे रिजल्ट दे रहा है। ओके गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और ऐसे ही और भी 2-3 टेस्ट करूँगा मैं इसके ऊपर। जो ओवर रेटिंग का एक इशू आ रहा था, जो मैं जो लास्ट 10th 11th में जो इशू आ रहा था, वो अभी मैं चेक करने वाला हूँ, वो अभी तक है कि नहीं। और एक बैटरी लाइफ जो बढ़ चुका है, ट्विक्स जो बढ़ा है, जो GoPro क्लेम कर रहा है, वो मैं टेस्ट करने वाला हूँ। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप एक रेड बटन का सब्सक्राइब बटन है वो आप डेफिनेटली क्लिक करके जाइए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।